प्रेम का मतलब आप ये ना समझ ले हमारे आपका प्रेम है ना, हमारा नहीं, हमारा आज किसी से, कल किसी और से, परसों किसी और से। हम स्वार्थी लोग हैं, हम सब स्वार्थी लोग हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मनुष्य इतना स्वार्थी है और आजकल तो इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि अगर वो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से कर रहा है कि भगवान उसका एक काम ना करे, वो भगवान बदल ले, इतना स्वार्थी हो गया मनुष्य। तो हमारा प्रेम नहीं, हम तो उससे भी प्रेम स्वार्थ का करते हैं, तो बाकी रिश्तों से तो एकदम ही स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। लेकिन अगर ऐसा प्रेम है तो वो दुनिया में सबसे ऊपर है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो सबने कहा कि ठीक है, पर ये मिलेगा कहां, कहीं तो होना चाहिए जिसको देखकर हम भी सीख ले। तो फिर वापस सब अपनी अपनी राय देने लगे, तो कोई कहे कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा, वो कहे कि नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बड़े व्यस्त हैं। अब नारद जी भी बैठे हैं, नारद जी किसके भक्त हैं, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। सबने कहा वहां भी उतना प्रेम, क्योंकि अगर इतना प्रेम होता तो भगवान समय ना समय देकर भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। तो बोले फिर आप ही बताइए। बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही, एक तो कोई बड़ा महल तो है नहीं कि इधर उधर हो जाए, कैलाश पर्वत पे रहते, दोनों साथ ही रहते, कहां इधर उधर कहीं जाते। कि बाकियों का अगर आप देखें तो देवताओं के बड़े बड़े महल हैं, ऐसे महल इनका भी बन रहा था, पता है कि नहीं आपको कि महादेव जी का महल बन रहा था।